चाइना में एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने पुल के ऊपर ही घर बनाए हैं, और ये जो आप ऑयल रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कोई ऑयल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसमें लोग भी रहते हैं। इसके अलावा चाइना के इस घर को देखो जो मेन हाईवे के बीचों बीच बना है, और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इन अजीबो गरीब जगहों पर भी लोग खुशी से रहते हैं। चोंकिंग ब्रिज। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो ब्रिज को ब्लॉक करके लोगों ने अपने घर बनाए हैं। दरअसल दोस्तों ये ब्रिज चाइना में चोंकिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है। चाइना के चोंकिंग इलाके में 13,000 से ज्यादा ब्रिज है जिसमें कई तो अब यूज भी नहीं होते, इसीलिए लोगों ने अभी इस ब्रिज पर अपने घर बना लिए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लोगों का ऐसा करना भारी मात्रा में टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। नेल हाउसिंग चाइना। दोस्तों चाइना का जो शख्स इस घर में रहता है वो कंफर्ट तो दूर बल्कि बाकी लोगों को भी परेशान कर रहा है। चाइना में इसे नेल हाउस कहते हैं। जब भी सरकार हाईवे बनाती है तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी जमीन सरकार को नहीं देते, और ये वही लोग हैं जिसकी वजह से सरकार को हाईवे उनके घर के आसपास से गुजारना पड़ता है। जो इस घर में रहते हैं वह 2400 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। सैंटा क्रूज। सैंटा क्रूज कोस्टा कोलंबिया का एक छोटा सा आइलैंड है। इतने छोटे से आइलैंड में 1200 से ज्यादा लोग फंस कर रहते हैं। इस आइलैंड पर कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, न पीने के पानी का इनके पास कोई स्रोत है और न ही बिजली का जुगाड़। इस आइलैंड पर दोस्तों एक भी मच्छर नहीं है। मछुआरे ज्यादातर इस इलाके में रहते हैं, और आप सोचिए कि अगर कोई समुद्री तूफान आता होगा तो इस इलाके का क्या होता होगा। सी लैंड। दोस्तों यह देखिए, यह कोई ऑयल रिग नहीं जिसमें कंपनी तेल निकालने का काम करती है। दरअसल यह एक सबसे छोटा देश है जिसका नाम है सी लैंड। ये देश एक ब्रिटिश ऑफशोर पर बसा हुआ है। इस देश में ऑलरेडी 27 सिटीजंस हैं। इस जगह की एक अलग से करेंसी है। यहाँ पर आने के लिए एक अलग पासपोर्ट भी लगता है और आप यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हो। दोस्तों अब आप इस चाइना के शहर को देखिए जो पूरा का पूरा पहाड़ पर बसा हुआ है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यह शहर आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। साउथ चाइना का यह शहर पूरे 2600 फीट की ऊंचाई पर बसा है। 1800 से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं। उन लोगों का वहाँ रहन सहन बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा सबको सिखा देता है। मकोको। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि यह शहर दुनिया में ऐसा भी है जहाँ पर लोग गंदे नाले और गटर के पानी के ऊपर रहते हैं तो क्या आपको यकीन होगा। दरअसल ये शहर नाइजीरिया में मौजूद है। 2,00,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस गाँव में आसपास के शहरों के गटर का पानी यही इकट्ठा होता है। लोग पानी में कश्तियाँ चलाकर ही एक दूसरे के घर जाते हैं। ये पानी इतना गंदा है कि अगर कोई बाहर से यहाँ रहने आए तो वह एक ही दिन में बीमार पड़ जाएगा। खाना पीना और इनका टॉयलेट भी इसी पानी में होता है। बुद्धिस्ट एकेडमी। दोस्तों यह एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर मंकस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मंक एकेडमी मौजूद है। इतने बड़े इलाके में स्टूडेंट्स के लिए छोटे छोटे घर बने हैं। इन छोटे छोटे घरों की खास बात यह है कि यह घर जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ पर बने हैं। 10,000 से ज्यादा इस एरिया में घर है जहां पर मोंक सारा दिन ट्रेनिंग लेते हैं। यहां पर रहने वाला हर बंदा मंक है। लोग दूर दूर से यहां मेडिटेशन करने के लिए आते हैं।